हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख रहे होंगे स्टॉक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। फॉर्मेशन बस आपको ढूंढनी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि चैनल में आप कैसे पकड़ते हो। अब यहाँ से अगर मैं दोनों ही चीज़ें ये हटा दूँ तो फिर आपको क्या दिखेगा? ये लीजिए, अब आपको बस चैनल ही तो फॉर्म करना है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको ये है कि स्टॉक को जितना आप थोड़ा कंप्रेस करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा लेवल कहाँ जाके मैच कर रहा है। कुछ भी नया नहीं रहता है स्टॉक में। हर एक स्टॉक आप देखोगे ऐसे ही फॉर्म होते हैं और ऐसे ही मैं पकड़ता हूँ और ऐसे ही आपको पकड़ने पड़ेंगे। अब आपको दिख गया होगा ना क्या फॉर्मेशन थी स्टॉक की। अब आज स्टॉक आप देखोगे, आज भी फॉल देखने को मिला है, कंसिस्टेंटली फॉल है। यहाँ पे आप देखोगे कंसिस्टेंट फॉल, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए स्टॉक में इस लेवल से रिजेक्शन होते हुए फॉल है। क्योंकि चैनल में ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है फॉर्मेशन कुछ ऐसी गई थी, फिर फॉल हुई, बट यहाँ सपोर्ट ले गई कहीं ना कहीं, फिर ऊपर गई, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिला और स्टॉक फॉल होते हुए दिखा है। अब आज जो लेवल देखने को मिले हैं तो इस जोन के आसपास बाइंग देखने को ज़रूर मिली है, बट इस पर उतना ट्रस्ट नहीं करा जा सकता क्योंकि अभी भी स्टॉक बेयरिश ही है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये बाइंग थोड़ी इसलिए देखने को मिली है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 250 का लेवल आ रहा है जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसलिए बायर्स एक्टिव रहेंगे। तो 250 जैसे ही अगर ब्रेक होता है यहाँ पे, तो फिर आपका जो सीधा डायरेक्ट लेवल जाएगा स्टॉक का 240 आसपास, 244 के आसपास यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए अगर चैनल में ट्रेड है। चैनल ब्रेक कर देता है स्टॉक अगर, तो फिर आपको देखने वाली फिर दिक्कत होती है, चिंता वाली, क्योंकि यहाँ से फिर स्टॉक जो चैनल के बाहर आएगा तो फिर आपके ये वाले लेवल बनेंगे उस टाइम पे 230 के। तो यहाँ तक स्टॉक अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर निकलता है तो वीकनेस होएगी, तब की तब से देखी जाएगी। और यही रीज़न है कि स्टॉक कंसिस्टेंट फॉल कर रहेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर पाया कभी भी स्टॉक कंसिस्टेंट जब से फॉल है। तो जब ऊपर निकलने की बारी आएगी स्टॉक की, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक डेली TF पे ग्रीन कैंडल ज़रूर बनेगी, एक बुलिश मोमेंटम दिखेगा, तब आप बाय करिएगा आगे के लिए। क्योंकि यहाँ कहीं सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक कुछ ऐसा रिवर्सल दिखाएगा, ये गिरा है फिर यहाँ से रिवर्सल भी ऐसे ही दिखाएगा, तब आप यहाँ कहीं बाय करिएगा। अगर बुलिश मोमेंटम के साथ कैंडल इसको ब्रेक करती है तब ऊपर की दिशा देखने को मिलेगी। बाकी अभी जिस हिसाब से स्टॉक 259 के आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 240 तक जा सकता है जिस हिसाब से कंसिस्टेंट फॉलिंग है स्टॉक में। तो वो आपको लेवल्स देखने होंगे। ऊपर की बात कर लें तो अभी कोई एज एन ऊपर की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक स्टॉक नीचे अगर आ रहा है तो अच्छे से ही आएगा वो, और यहाँ के बाद जब सपोर्ट लेगा तब ऊपर जाएगा। तो लेवल्स फिर उस हिसाब से मैं बता देता हूँ जब ऊपर जाएगा। तो एक लेवल तो अपना यही रहने वाला है, जब स्टॉक आएगा तो 250 का लेवल उसके लिए एक बड़ा लेवल होगा। उसके बाद फिर छोटे छोटे लेवल्स कुछ ये होंगे जिनके साथ स्टॉक आपको बुलिश मोमेंटम धीरे धीरे देखने को मिलेगा आगे के लिए। तो ऐसे चलेगा आपका स्टॉक ऊपर की दिशा में, और नीचे के लेवल्स मैंने ऑलरेडी बताई दिए आपको। बाकी स्टॉक में एज इन कुछ है नहीं। नतीजों की बात करें तो 6 नवंबर को नतीजे हैं, तब तक के लिए आप रुक जाइए, कोई बाइंग मत बनाइए स्टॉक में। नतीजे भी देख लीजिए, स्टॉक का फॉल भी देख लीजिए कितना है, उसके बाद फिर आप बाय करिएगा स्टॉक में। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा स्टॉक में बाय करने पर, क्योंकि अगर यहाँ कहीं से आप नीचे पकड़ेंगे इस लेवल से तो फिर आपके रिजल्ट भी सही आएंगे, 20% के रिटर्न्स आपके निकल के आएंगे। और जिस हिसाब से स्टॉक इतना फॉल है अभी, तो आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ऑलरेडी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। यहाँ से अगर आप चेक करें इसको, ये हाई था स्टॉक का, और इस लेवल से अगर आप देखें तो 31% डिस्काउंट पर ऑलरेडी स्टॉक हैगा। तो ऊपर जाने में भी बहुत समय है स्टॉक को, ऑल टाइम हाई तक जाएगा स्टॉक, बट धीरे धीरे जाएगा। ये स्टॉक स्लो चलते हैं, सेफ स्टॉक होते हैं, स्लो चलते हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है इस स्टॉक में। यहाँ आप देख रहे होंगे कितना मोमेंटम रहता है, सडन आएगा फिर ड्रॉप होता है फिर ऊपर जाएगा, तो वॉलेटाइल स्टॉक है। तो उस हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, और जिस हिसाब से नतीजों का दौर चल रहा है तो कंसिस्टेंट कभी भी मार्केट में कुछ भी हो रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।